नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने यूपी एनएचएम एग्जाम का एमसीक्यू पार्ट सेकंड लेके आए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मैक्सिमम लोगों को शेयर किया होगा। आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम एग्जाम के एमसीक्यू पार्ट सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी राइट ऑफ शुड वी फॉलोड फॉर सेफ इंजेक्शन डिलीवरी, कि जो कितने राइट्स है इंजेक्शन देने के कितने राइट्स है। ए ऑप्शन है 5 राइट, बी ऑप्शन है 6 राइट, सी ऑप्शन है 7 राइट, डी ऑप्शन है 10 राइट। तो हमको 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से एक आंसर को करेक्ट करना है कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इंजेक्शन डिलीवरी के बात करते हैं तो कितने राइट होते हैं, तो राइट होते हैं 7 राइट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने राइट होते हैं, 7 राइट। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर क्या हो गया, 7 राइट। कितने हैं टोटल, 7 राइट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो सेफ इंजेक्शन डिलीवरी के 7 राइट होते, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ पेप्यूल्स डेवलप बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। हम बीसीजी वैक्सीन होती है उसका जो पेप्यूल डेवलप होता है वो कितने डायमीटर का होता है। ए ऑप्शन है 4 to 8 mm डायमीटर, बी ऑप्शन है 5 to 6 mm डायमीटर, सी ऑप्शन है 1 to 2 mm डायमीटर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। हम बीसीजी की बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, बेसिलाई कार्मेटोग्यूरिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन है वो किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन को टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी होती है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम बीसीजी देते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। बात करते हैं जो बीसीजी को अमाउंट एट बर्थ कितना लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट बर्थ अमाउंट कितना लेते हैं बीसीजी का, तो याद रखना 0.05 ml। कौन सा 0.05 ml, और मैं बात करता हूँ रूट की, रूट कौन सा होता है, वो होता है इंट्रा डर्मल रूट। कौन सा रूट, इंट्रा डर्मल रूट। और इंट्रा डर्मल रूट की बात करते हैं तो इंट्रा डर्मल रूट होता है वो 10 to 15 degree एंगल पर, कितना 10 to 15 degree एंगल पर लगाते हैं इंट्रा डर्मल। क्लियर। तो अगर बात करें जो पेप्यूल बनता है बीसीजी वैक्सीन के बाद, जो पेप्यूल बनता है और जो हमारे लेफ्ट साइड पे परमानेंट स्कार बन जाता है, तो बीसीजी का जो पेप्यूल बनता है वो कितने डायमीटर का होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उस करेक्ट आंसर होगा 4 to 8 mm डायमीटर। जो पेप्यूल का डायमीटर बनता है वो 4 to 8 या 4 to 8 mm का डायमीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको एग्जाम में मैक्सिमम फायदा मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो यूपी एनएचएम के हिसाब से करवाए जा रहे हैं, यूपी एनएचएम के हिसाब से करवाए जा रहे हैं। जैसे सीआरपीएफ की डेट आती है हम सीआरपीएफ के लिए क्वेश्चन करवाएंगे, अगर ईएसआईसी डेट आती है तो ईएसआईसी के लिए क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी टीटी एंड हेपेटाइटिस वी। जो रूट को कौन सा रूट हम प्रेफर करते हैं डीपीटी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डिप्थीरिया पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टिटनेस या टिटनेटोक्सॉइड एंड हेपेटाइटिस वी, इनके लिए हम प्रिफर्ड रूट कौन सा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्रिफर्ड रूट कौन सा होता है, या तो इंट्राडर्मल आईडी होता है, आईडी की बात करते हैं अभी मैं जस्ट बताया था, उसकी फुल फॉर्म होती है इंट्राडर्मल। जैसे हम कौन सा इंजेक्शन दे रहे थे, वैक्सीन देते बीसीजी,
क्लियर। आई एम इंट्रामस्कुलर सबुटेनियस। आई भी उठ रहा है इंट्रावीनस। अगर मैं बात करता हूँ कितने डिग्री एंगल पर लगाते हैं आई वी, वो लगाते 25 से 35 डिग्री एंगल पे। सबुटेनियस की बात करता हूँ तो 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर की बात करता हूँ तो 90 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। बीसीजी की बात, हमने इंटरटर्मिनल की बात की तो 15 डिग्री पे लगाते हैं। तो अब बात करते हैं हम डिप्थीरिया फटू स्टेटनेस टॉक्साइड एंड हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है उसका प्रेफर्ड रूट पूछा है, सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट कौन सा होता है, कि अब कौन से रूट के द्वारा उनको देते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं वो होता है इंट्रामस्कुलर। तो वी इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उससे हम ये इसके लिए सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट ऑफ जापानी एंसेफेलाइटिस वैक्सीन। तो जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स के लेवल का सवाल, आप यूपी नेचम के लेवल का सवाल, जो जापान से एंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन होती है हम उसको किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, बी ऑप्शन है पायरोजिन फ्री डिस्टल, सी ऑप्शन नॉर्मल सलाइन, डी ऑप्शन है नॉर्मल टैप बटर। अगर बात करते हैं हम तो देखिए, जो नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन हम करते हैं बीसीजी को मिक्सर करने में, जो बीसीजी वैक्सीन होती है उसको मिक्सअप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन। वहीं बात करते हैं मीजल्स की बात करते हैं तो मीजल्स को डाइल्यूट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्टल वाटर होता है उसका यूज करते हैं, किसका, डिस्टल वाटर का यूज करते हैं, डिस्टल वाटर। क्लियर, डिस्टल वाटर का यूज करते हैं। तो हम जापान से एंसेफेलाइटिस होता है, बीसीजी के लिए हम किसका नॉर्मल सलाइन का यूज कर रहे थे, मीजल्स के लिए डिस्टल वाटर का यूज कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल सलाइन बीसीजी को डिस्टल वाटर में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करवाता है, इरीटेशन करवाता है। तो इसलिए हम बीसीजी के अंदर नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं डाइल्यूट करने के लिए। तो अगर जापान से एंसेफेलाइटिस की बात करते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन होता है, हम उसका यूज करते हैं डाइल्यूशन ऑफ जापानी एंसेफेलाइटिस वैक्सीन का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इम्यूनाइजेशन इन विच कंडीशन। जो अगर हम ऐसी कौन, चार ऑप्शन है हमारे पास, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन हम नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ए ऑप्शन है माइल्ड फीवर, बी ऑप्शन है डायरिया, सी ऑप्शन है कफ, डी ऑप्शन है सीजर। चार ऑप्शन है हमारे पास, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सी कंडीशन के अंदर हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। तो अगर बात करते हैं माइल्ड फीवर, तो माइल्ड फीवर के अंदर इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। डायरिया के अंदर भी हम दे सकते हैं, कफ के अंदर भी दे सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कफ से, जो ए सी इनहिबिटर ड्रग होती है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करवाती है, ड्राई कफ करवाती है। बहुत ज़्यादा पूछ सवाल था, ए सी इनहिबिटर ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है, वो ड्राई कफ करवाती है, तो इसके अंदर भी हम दे सकते हैं। लेकिन सीजर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम इम्यूनाइजेशन को क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं।
तो इमेजिनेशन के अंदर किसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो सीजर इज द करेक्ट आंसर, जो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इमेजिनेशन इन विच फॉलो कंडीशन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीजर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टॉडलर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट रनिंग, जो टॉडलर होता है वो रनिंग कब से स्टार्ट कर देता है। बात करते हैं, सबसे पहले होता है इन्फेंट। इन्फेंट होता है वो वन ईयर का, वन ईयर के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। फिर टॉडलर वन टू थ्री ईयर, एक से तीन साल के बच्चे को हम टॉडलर बोलते हैं। प्री स्कूलर, प्री स्कूलर किसको बोलते हैं, प्री स्कूलर की बात करते हैं तो थ्री टू सिक्स ईयर के बच्चे को। स्कूलर एज, क्योंकि सवाल यहीं से बन सकता है, स्कूलर एज किसको बोलते हैं हम, सिक्स टू ट्वेल्व ईयर। एडोलसेंट, एडोलसेंट एज होती है वो हम बात करते हैं ट्वेल्व टू एटीन ईयर। देन एडल्ट होता है वो 18 टू 65 ईयर। और मोर, जो ओल्ड एज होते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो मोर देन 65 ईयर। क्लियर? तो जो टॉडलर होता है वो कब से रनिंग स्टार्ट कर देता है, जो टॉडलर होता है वो कब से रनिंग स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन टॉडलर पूछा है तो 9 मंथ जो टॉडलर की एज होती है 1 टू 3 ईयर होती है। तो क्वेश्चन तो यहीं गलत, दो ऑप्शन तो हम यहीं लिमिट कर देते हैं कि 9 मंथ कभी भी हम इन्फेंट बोलेंगे, 7 मंथ के को इन्फेंट बोलेंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 18 मंथ बचा, 15 मंथ बचा। तो जो बेबी होता है वो डेढ़ ईयर, डेढ़ साल, 1.5 ईयर से क्या बेबी रनिंग स्टार्ट कर देता है। तो 1.5 ईयर को बोलते हैं हम 18 मंथ। क्या बोलते हैं, 18 मंथ। क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जो टॉडलर होता है वो रनिंग कब से स्टार्ट करता है, एक्सपेक्टेड डेट पूछा है उसने, तो 18 मंथ से वो रनिंग स्टार्ट कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज ए चाइल्ड स्टार्ट टू वॉक अप स्टेयर, जो बच्चा होता है वो स्टेयर पर चढ़ना कब स्टार्ट कर देता है। तो विच एज ऑफ चाइल्ड स्टार्ट टू वॉक अप स्टेयर, अब जो स्टेयर, जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर बच्चा कब चलना स्टार्ट कर, जो चलना कब स्टार्ट, वॉक करना है कब स्टार्ट कर देता है। ए ऑप्शन है 10 मंथ है, बी ऑप्शन है 15 मंथ, सी ऑप्शन 36 मंथ, डी ऑप्शन 24 मंथ। हम आंसर की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या राइट होगा, ये तो ए ऑप्शन राइट होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये आपको चूज करना है, जैसे आप कंटिन्यू क्लास लेते रहोगे तो आपको पता लगेगा। तो चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड होता है वो टू ईयर पर क्या है, सीडीओ पे चलना स्टार्ट कर देता है, अप स्टेयर पे वॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो 24 मंथ इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, डी 24 मंथ, 24 मंथ इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको ऐसे ही वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखना है, वीडियो कम्प्लीट देखोगे तभी हमारे डाउट क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका फ़ायदा हो सके। जैसे हम क्वेश्चन करवाते हैं तो उसके आसपास के ऑप्शन भी आपको एलिमिनेट करवाते हैं, आसपास के ऑप्शन के बारे में जैसे 10 मंथ है, 15 मंथ है, इनके बारे में बताते हैं ताकि आपको इसका क्या है, और जो जितने 4 ऑप्शन हैं उनके भी हमको आंसर पता हो कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, 24 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज कैन चाइल्ड से फ्यू डिस सिलेबस लाइक मामा बाबा एटी से, जो बच्चा होता है वो कितने मंथ से लाइक मामा बाबा ऐसे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। ए ऑप्शन है 6 मंथ, बी ऑप्शन है 9 मंथ, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 4 मंथ, डी ऑप्शन है 12 मंथ।
तो जो बच्चा होता है वो कौन से मंत्रयक के अंदर, मामा बाबा दादा दादी इस तरह जो नॉर्मल वर्ड होते हैं, मामा बाबा पापा इस तरीके वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? तो यह 6 मंथ है, 9 मंथ है, 4 मंथ है, 12 मंथ है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी, 12 मंथ। 12 मंथ पे जो बेबी होता है वो मामा पापा पापा जैसे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। आइए समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट बर्थ। जो नॉर्मल वेट होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ पे कितना होता है? ए ऑप्शन है 2 to 3 kg, बी ऑप्शन है 2.5 to 3.5 kg, सी ऑप्शन है 2.5 to 4.5 kg, डी ऑप्शन है 2 to 4 kg। तो नॉर्मल वेट बेबी होता है वो कितने वेट का होता है? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो क्या है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो नॉर्मल बेबी का वेट होता है 2.5 से 3.5 होता है kg। क्लियर? अगर एक रेंज की बात करते हैं तो 2.9 kg। अगर एक रेंज के अंदर आंसर पूछते हैं तो 2.9 kg इज़ द राइट आंसर। अगर बच्चा 2.5 से बिलो है, 2.5 बिलो केजी से बिलो, तो हम सुख के क्या बोलते हैं? LBW, लो बर्थ वेट। अगर बच्चा मोर देन 3.5 kg से है उसको हम क्या बोलते हैं? हाई बर्थ वेट। यहाँ पर जो 2.5 से कम उसको लो बर्थ वेट, 3.5 ज़्यादा है उसको हाई बर्थ वेट बोलते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल चाइल्ड एट एज 1 ईयर। जो जो बच्चा होता है उसकी 1 साल में कितनी हाइट हो जाती है, वो नॉर्मली कितनी हाइट हो जाती है? ए ऑप्शन है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। आंसर बताइए कि आपको कौन, ए ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन सही लग रहा है, सी ऑप्शन लग रहा है, डी ऑप्शन लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लग रही थी, कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या ऐसी वीडियो कंटिन्यू चल रहे थे या और मॉडिफाई कर रहे हैं, आप अपना सजेशन लिख सकते हैं। क्लियर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने स्टेटस पर भी लगाएं। अगर एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल चाइल्ड की बात करते हैं 1 साल पर, 1 ईयर पर, तो कितनी होती है? वो होते 75 सेंटीमीटर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 75 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज MUAC ऑफ नॉर्मल चाइल्ड एट एज 4 ईयर। जो नॉर्मल बेबी होता है इसका MUAC होती है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। जो जो नॉर्मल बेबी होता है उसकी 4 ईयर पे, 4 ईयर पे मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है? ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर। आपको 4 ऑप्शन है, उसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं। जो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होता है एज 4 पर, या ये कितने साल पूछा है? 4 साल, उस पर कितना होता है? 14 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। सी आंसर हो गया क्या? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेड स्प्रोंग डिजीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। जो हेड स्प्रोंग डिजीज होती है वो मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएटेड होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको एक ऑप्शन को चॉइस करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। क्लियर?
ये ऑप्शन है पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी ऑप्शन डाउन सिंड्रोम, सी है ट्यूबरक्लोसिस, डी ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम। तो फटाफट आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करता हूँ मैं जो हिर्सप्रुंग डिजीज होती है, हिर्सप्रुंग डिजीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड किससे होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरक्लोसिस, टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसमें किसके कौन से क्रोमोसोम की वो कमी होती है, वो 21 क्रोमोसोम की कमी होती है। मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करता हूँ तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है माइको इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर। अब बात करते हैं जिसके अंदर टर्म फाइव ड्रग देते हैं, पांच ड्रग देते हैं, उसकी ट्रग है याद करने की वो है पेरिस, जो पेरिस सिटी है उसके नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। कौन कौन सी ड्रग, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड ड्रग होती है, पी फोर पायराजिनामाइड, ई फोर होती है इथामब्यूटोल, इथामब्यूटोल, आर फोर होती है रिफामफिसिन, आई फोर होती है आइसोनियाजेड, आइसोनियाजेड जिसको हम INH के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, कब, प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि क्या करवाती है ओटोटॉक्सिटी, ये ड्रग क्या करवाती है ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो प्रेगनेंसी के अंदर हम इसको क्या करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन है जो हिर्सप्रुंग डिजीज है वो किससे रिलेटेड, मोस्ट कॉमनली किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन क्या पूछा मोस्ट कॉमनली किससे रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर क्या है वो है डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड होती है, कौन सी, हिर्सप्रुंग डिजीज। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है फाइव होती है वो उसको एक वैक्सीन के रूप में देते हैं, पेंटावेलेंट के रूप में देते हैं, तो उन वैक्सीन का नाम क्या है, ये ऑप्शन है DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा, बी ऑप्शन है MMR, मीजल्स, मम्स, रुबेला, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, डी ऑप्शन है पोलियो, TB एंड डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हमको राइट आंसर चूज करना है। मैं बात करता हूँ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है टेमीफ्लू, कौन सी होती है टेमीफ्लू। क्लियर, तो अगर बात करते हैं या हम बात करते हैं टेमीफ्लू ड्रग होती है ओसल्टामिविर नाम से भी ड्रग आती है। क्लियर, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन्फ्लुएंजा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात करते हैं जो फाइव वैक्सीन होती है वैक्सीन तो पेंटावेलेंट के रूप में देते हैं वो किसे प्रोटेक्शन करती है, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम तो क्या है ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। जो पोलियो वैक्सीन होती है हम उसके लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। TB के लिए हम कौन से देते हैं BCG, बेसिलाई कार्मेटे ग्यूरिन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक, पीडिया के फादर कौन है, जो पीडियाट्रिक से उसका फादर कौन है, ए ऑप्शन है अब्राहम जैकब, बी ऑप्शन है हिप्पोक्रेट, सी ऑप्शन है मेरियोन, डी ऑप्शन है कुबलर रोज। और मैं बात करता हूँ जो कुबलर रोज है उसने क्या दिया था, जो डावडा की स्टेज है, डावडा स्टेज होती है वो किसने दी थी, कुबलर रोज ने दी थी। अगर बात करता हूँ मैं कुबलर डाबड़ा क्या होता है, D4 जो सेकेटर होता है, D4 होता है डिनाइल,
ए फोर होता है एंगर, बी फोर होता है बार्गेनिंग, डी फोर होता है डिप्रेशन, ए फोर होता है एक्सपेक्ट एसेप्ट। ये दी थी कुबलर रोज ने। हिप्पोक्रेट से वो कहे फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं हम, हिप्पोक्रेट्स को। वहीं बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है, वो है सुश्रुता। सुश्रुता है वो इंडियन फादर सर्जरी के फादर है। जो फादर ऑफ पीडियाट्रिक है, क्वेश्चन क्या पूछा फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, वो है अब्राहम जैकब, तो इज द करेक्ट आंसर। जो अब्राहम जैकब है वो किसके फादर है, पीडियाट्रिक के फादर है। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी अदर क्वेश्चन भी के ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। तो जैसे फादर ऑफ मेडिसिन कौन है पता होना चाहिए, वो है हिप्पोक्रेट्स। सर्जरी के फादर कौन है, सुश्रुता। कुबलर रोज ने कौन सी स्टेज दी, डाबडा की स्टेज दी थी, जो डिनाइल एंगर बार्गेनिंग डिप्रेशन एक्सपेक्ट होती है, ये दिए था। हमारे चार पाँच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से हम चार पाँच क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन हाउ मेनी आर्टरी एंड हाउ मेनी वेन। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल कि जो नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो क्वेश्चन के पूछा अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें कितनी तो आर्टरी होती है और कितनी वेन होती है। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि कितनी आर्टरी, कभी दो वेन, कभी दो आर्टरी, कभी एक वेन दो आर्टरी, कभी दो वेन दो आर्टरी, कभी दो वेन दो आर्टरी, ऑप्शन कुछ भी कर किया जाता है। आज हमको इसका डाउट क्लियर करना है। ए ऑप्शन है वन वेन एंड टू आर्टरी, बी ऑप्शन है वन वेन एंड वन आर्टरी, सी ऑप्शन है टू आर्टरी एंड टू वेन, डी ऑप्शन है वन आर्टरी एंड टू वेन। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो वन जो ए इज द करेक्ट आंसर, तो वेन की उतनी होती है वन, आर्टरी कितनी होती है टू। याद कैसे करेंगे, देखिए वन की बात करते हो वन वन वेन वन वन, ऐसे याद कर सकते हो वन वेन वन, मतलब वन के साथ वेन वेन ऐसे तरीके से आ रहा है। तो हमेशा कितनी होती है वन वेन होती है, आर्टरी कितनी होती है टू आर्टरी होती है। क्योंकि तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वही हमारा सिलेक्शन रुकवाते हैं, हम उनको जल्दी में करके आते हैं, गलत करके आ जाते हैं। क्लियर, तो आशा रखना जो आर्टरी कितनी होती है, दो आर्टरी होती है, वन वेन होती है नॉर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यू यूनिट, जो न्यू यूनिट है उसकी लाइफ स्पान कितनी होती है आरबीसी की। आरबीसी की बात करते हैं हम, तो आरबीसी क्या होती है उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होती है। और जो नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पान होती है वो होती है 120 डेज, नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, नॉर्मल लाइफ स्पान आरबीसी कितनी होती है 120 डेज। एक होती है वॉश्ड आरबीसी, वॉश्ड आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पान होती है 28 डेज, कितनी 28 डेज। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, जो नियोनेट होता है उसकी आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है। क्लियर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 60 to 80 डेज इज द करेक्ट आंसर। जो नियोनेट होता है उसके अंदर कितनी होती है 60 से 80 दिन की लाइफ स्पान होती है। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज एडमिनिस्टर एट बर्थ टू प्रिवेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कि कौन सी ड्रग देते हैं हम एट बर्थ पर जो ब्लीडिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम हो, जो अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं। ए ऑप्शन है इंजेक्शन ट्रेनेक्जेमिक या ट्रेनेक्जा नाम से इंजेक्शन आता है इसका, ट्रेनेक्जा नाम से। क्लियर, या इंजेक्शन विटामिन के देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं, या एथाइमाइलाइज माइलेट देते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ये जो एट बर्थ तक बात करते हैं हम, अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए, पोटेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं।
या कौन सी इंजेक्शन देते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो वो क्या होती है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा कौन देता है, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर वीडियो समझ में आ रही तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर, और एक बेहतरीन क्लास के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ, जो मीजल्स वैक्सीन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो मीजल्स वैक्सीन होती है उसको कितने मंथ पे दिया जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आज यहाँ से हम तीन चार सवाल क्लियर करेंगे। जो मीजल्स वैक्सीन होती है, मीजल्स वैक्सीन की बात करता हूँ, उसको हमेशा रखना 9 मंथ पे दिया जाता है, तो सी बी इज़ द करेक्ट आंसर। या कभी और क्वेश्चन पूछा था मीजल्स के साथ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो हमेशा विटामिन ए दिया जाता है। अगर बात करता हूँ विटामिन ए की टोटल डोज कितनी देते हैं, टोटल डोज ऑफ विटामिन ए विटामिन टोटल डोज की बात करता हूँ तो वो कितनी होती है, टोटल डोज की बात करता हूँ मैं विटामिन ए की, वो होती है 9 डोज। जो फर्स्ट डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल, वो कितनी होती है फर्स्ट डोज, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। जो फर्स्ट डोज होती है 9 मंथ पे दी जाती है, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। बाकी सारी डोज 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, और 9th, ये सारी डोज कितनी जाती है, सारी डोज ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। हम इसको 5 जो विटामिन ए होती है उसको 5 ईयर तक देते हैं। क्लियर, तो 9 मंथ पे हम कौन सी साथ में जाती है, मीजल्स के साथ विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है। तो क्वेश्चन क्या होता है, जो मीजल्स वैक्सीन होती है वो कौन सी एज पे देते हैं हम मीजल्स वैक्सीन को, तो हम 9 मंथ एज पे देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन B12 इन इन्फेंट। नॉर्मल रिकमेंडेड जो नॉर्मल विटामिन B12 होता है उसकी डेली रिक्वायरमेंट या डेली इनटेक रिक्वायरमेंट कितनी होती है इन्फेंट के अंदर। ए ऑप्शन है 1 माइक्रोग्राम, बी ऑप्शन 2 माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन है 0.8 माइक्रोग्राम, डी ऑप्शन 0.2 माइक्रोग्राम। क्लियर, तो आप करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताइए। कि 4 ऑप्शन आपके पास, 1 माइक्रोग्राम, बी ऑप्शन है 2 माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन 0.8 माइक्रोग्राम, डी ऑप्शन 0.2 माइक्रोग्राम। करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो क्या हुआ, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 0.2 माइक्रोग्राम देते हैं जो इन्फेंट होता है, उसमें विटामिन B12 होता है उसे प्रमोट किया। अगर बात जो अडल्ट होता है, बहुत कुछ बात सवाल पूछो, वो सवाल है कि जो विटामिन B12 है उसकी वजह से कौन सा एनीमिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से कौन सा एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है किसकी वजह से, विटामिन B12 की कमी से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलम्स ट्यूमर इज द ट्यूमर ऑफ, जो विलम्स ट्यूमर होती है वो लंग्स की ट्यूमर है, ब्रेन की ट्यूमर है, किडनी की ट्यूमर है, या इंटेस्टाइन की ट्यूमर है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर करना है। क्लियर, फटाफट से आंसर दीजिए कि कौन सी ड्रग है जो कौन सा ट्यूमर जो विलम्स के जो ट्यूमर होता है, विलम्स ट्यूमर होता है किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बात करते हैं जो विलम्स ट्यूमर होती है वो किसके अंदर होती है, किडनी के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, किडनी के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर की बात होते हैं, सी इज़ द किडनी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर,
जो विलियम्स ट्यूमर होती है कहाँ पर होती है? किडनी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? कौन सा विटामिन है जो नॉर्मल विजन विजन के लिए इसेंशियल है, नॉर्मल विजन के लिए इसेंशियल है? क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट पकड़ने होते हैं कि विटामिन ए के बारे में, विटामिन के बारे में पूछा है और नॉर्मल विजन के बारे में पूछा है। तो नॉर्मल विजन की बात करते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। जो ये क्वेश्चन है आपको लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो UPNHM का लेवल है बिल्कुल सिंपल लेवल है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट सवाल आते हैं, इस तरीके से सवाल आते हैं। और जो माइनर माइनर चीज़ें होती है वही गलत होती है। हम माइन तो जो UPNHM लेवल का सवाल आते हैं वो इसी लेवल के सवाल आते हैं, तो हम इसी तरीके के सवाल करेंगे। एग्जाम जिस पैटर्न के सवाल आएंगे उसी तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अभी जो क्लास चल रही है मोस्टली किससे चल रही है UPNHM के लिए चल रही है, ताकि लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? कि कौन सी ड्रग है जो प्रिवेंट करती है HIV से माँ से बच्चे को? आंसर बताइए। कि ए ऑप्शन है नेविपरामिन, बी ऑप्शन है लेमिब्यूडिन, सी है एस्टाब्यूडिन, डी है एवाकाविर ड्रग। तो कौन सी ड्रग है जो प्रिवेंट करती है HIV से? अगर HIV की बात करता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एक एड्स बीमारी होती है। कौन सी एड्स? उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है HIV। अगर एड्स की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बात करते हैं जो HIV मोस्टली किससे फैलता है, वो कोज की बात करता हूँ कि कोज क्या होते हैं, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एक से ज़्यादा के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, देन निडल स्टिक इंजुरी, ये सारे कारण किसके होते हैं? मोस्टली जो नर्स के अंदर कारण होता है निडल स्टिक इंजुरी का कारण होता है। क्लियर? तो अगर बात करते हैं तो अगर माँ को जो HIV है, बच्चे को नहीं होना चाहिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? उस ड्रग का नाम है नेविपरामिन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, नेविपरामिन ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMC इज ए वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम? जो कंगारू मदर केयर होती है किससे प्रिवेंट करती है? ए ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, बी ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, सी ऑप्शन है हाइपरथर्मिया, डी ऑप्शन है हाइपोथर्मिया। जो KMC क्या होती है, कंगारू मदर केयर, जो LBW बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट के बेबी होते हैं, उनमें ये KMC दी जाती है। तो कौन से पेशेंट्स किससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम KMC देते हैं, कंगारू मदर केयर देते हैं? तो ये सिंपल सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हम KMC देते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग KMC बेबी शुड बी प्लेस्ड इन विथ पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि जो ड्यूरिंग KMC हम जो बेबी होता है उसको कौन सी पोजिशन रखते हैं? ए ऑप्शन है फ्रॉग पोजिशन, जो मेंढक वाली पोजिशन होती है उसमें, बी ऑप्शन है कंगारू लेग पोजिशन, सी ऑप्शन है वो थे एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। तो आपको देख के बता रहा है कि चार ऑप्शन है आपके पास, ये कौन सा आंसर बेस्ट आंसर होगा? क्लियर?
अगर बात करते हैं ड्यूरिंग KMC बेबी को हम कौन सी पोजीशन रखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है, फ्रॉग पोजीशन में, जो मेढक वाली पोजीशन है उसके अंदर रखते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर शुड प्रैक्टिस KMC एटलीस्ट 4 in 1 सिटिंग। जो माँ होती है एक बार बैठी है तो बच्चे को जो कंगारू मदर की प्रैक्टिस कंगारू मदर देगी तो कितना देगी, ए ऑप्शन है 1 आवर, बी ऑप्शन है 1/2 आवर, सी ऑप्शन है 2 आवर, डी ऑप्शन है 5 आवर। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से क्लियर करके बताना है कि कौन सा आंसर राइट है, या तो 1 आवर राइट है, 1/2 आवर राइट है, 2 आवर राइट है, 5 आवर, 5 आवर राइट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो माँ अगर बैठ रही है KMC दे रही है तो एटलीस्ट कितना देगी, 1 आवर तो देगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमने आपको एक बेस्ट क्लास देने की कोशिश की है ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके, और डेली मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसको आपको 100% बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। क्लियर। तो आप क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखना है, कोई डाउट लगता है तो कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 9672848848 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर 9649848848 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर यूट्यूब पे लिख सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।